आज अभी हम आए हैं लाखपत में, और यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ अभी उसे बोलते हैं व्यू पॉइंट, और यहाँ से व्यू ऐसा आता है। काफी लोग उधर गए हैं, पता नहीं क्या करने गए हैं, वाइट रन समझ के चले गए लगता है। तो ये है यहाँ से गोली वाली मारने के लिए, देखो दो एंगल दिए, इस तरफ से भी इस तरफ से देख सकते हो। रास्ते काफी खतरनाक बने हैं, आप देख सकते हो हम यहाँ सीढ़ी से चल रहे हैं, उस साइड में पूरा गिरने जैसा बना हुआ है, अगर आपकी नजर हट सकती है तो आप गिर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तब जब भी चढ़े तो थोड़ा खाई से थोड़ा ध्यान से देख के चढ़े। तोप मिलेगा? तोप यहाँ पे तोप पड़ा हुआ है जो टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है, काफी वजन वाला है भाई। उस जमाने का तोप है जो जब सामने से हम पे कोई हमला करता था, हमला नहीं हमला हमला करता था। अभी आप देख सकते हो हम अभी सीढ़ियों से जा रहे ऊपर, और ये वहां से हमारे फिलहाल अभी यहाँ पे पहुंचे। आपको सब जगह ये मिल जाएगा मस्त स्पॉट देखने के लिए। वहां से यहाँ से यहाँ से व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा व्यू आएगा, नहीं देख रहे हो? और ठीक वहाँ पे कुछ बना है रहने के लिए, शायद वहाँ पे लोग रहते हैं, आर्मी वाले। यहाँ पे हाँ आर्मी वाले ही है, वो आर्मी वाले ही है। वो वहाँ पे गुरुद्वारा है। चलो मना कर रहे जाने के लिए। हाँ जाने के लिए मतलब मना कर रहे, इधर जाओ। अच्छा तो मना कर रहे उधर जाने को, ठीक है चलो। आर्मी वाले वो हमको मना कर रहे हैं, बोले उधर जाओ, तभी हम जा रहे हैं उधर, तभी हमको रिटर्न जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे, फिर दरवाजे से फिर हम नीचे चलेंगे। और कहा जाता है कि इस शहर के लोग पहले के जमाने में काफी अमीर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस होता था, ये एक तरह का पोर्ट यूज करते थे इनको, और इसी जगह को यूज करते थे जो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा लखपत। और यहाँ पर लाखों का काम होता था, इसीलिए इसको यहाँ का नाम लखपत रख दिया। एक तरह का बिजनेस हब था ये शहर, इंडिया के लास्ट, इंडिया का लास्ट शहर। ये जो रास्ता है वो जाता है उस तरफ के रण की ओर। तो इसका दरवाजा कुछ ऐसा है, एक दरवाजा जो है वो टूट के गिर चुका है, वो भी उस तरफ पड़ा है, हम जाते हैं उस तरफ। और ये रहा इसका दरवाजा, यहाँ पे बड़ी बड़ी कील लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ज्यादा छू मत भाई, गिर गिर जाएगा, कील घुस जाएगी अपने। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रण रेगिस्तान, वो है सामने रेगिस्तान। तो हमने लखपत फोर्ट को पेंडिंग रखा था विंटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे धूप काफी तेज होती है और सनसेट काफी मस्त आएगा, तो इसीलिए हम सनसेट का थोड़ा वेट करेंगे। और इस तरफ का माहौल देखो, पूरा पूरा फॉगी फॉगी लग रहा है ऊपर ऊपर। विंटर में आपको इधर आना ही चाहिए, क्योंकि धूप होती नहीं, अगर धूप में आओगे तो आपकी लग जाने वाली है, तो आप धूप में बिल्कुल मत आना। आप आना तो विंटर सीजन में आना, ये सीजन बेस्ट है आने के लिए। आप यहाँ पर आओगे इसके पास आसपास, तो आपको वाइट रण का एक्सेंट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा वाइट रण में आ गए, पर ये वाइट रण नहीं है भाई, ये मिट्टी है, मिट्टी। अभी काफी लोग उधर गए, शायद वो आर्मी वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है चेक पोस्ट टाइप है, तो वहाँ पे जाएंगे तो फालतू वो रिटर्न करवा देंगे हमें, तो मतलब नहीं उधर जाने का। तभी अपन सोचते हैं अपन फोर्ट पे जाते हैं और अंदर देख लेते हैं जो जो भी है घूमने के लिए, वो घूम लेते हैं, और फिर ठीक ऊपर हम बैठेंगे ताकि हम सनसेट का व्यू मस्त ले सके, कैप्चर कर सके, क्योंकि उसको जहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं उसी को बोलते हैं व्यू पॉइंट। तो चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाजे के आसपास कुछ डिज़ाइन किए गए थे, कुछ मूर्तियाँ लगाई गई थी, जो कि बरसात की वजह से शायद गल चुकी है पूरी, मिट्टी मिट्टी दिखेगी थोड़ी बहुत। ये स्ट्रक्चर इसका, ऊपर दो मूर्ति थी, बीच में एलिफेंट था, नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली हो गया पूरा। ठीक इसके यहाँ पर सिर्फ मुंडी है मूर्ति की, ऊपर वाले में भी कुछ नहीं है, इस तरफ तो कुछ नहीं, उस तरफ चलो तो कुछ तो दिख रहा है स्ट्रक्चर में। तो ये मेन एंट्रेंस था यहाँ का। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये इंडिया का लास्ट शहर है लखपत, तो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर आपको पाकिस्तान दिखेगा, पाकिस्तान। वो रण को पार करेंगे 20-25 किलोमीटर दूरी के बाद पाकिस्तान आ जाता है। वहाँ की लाइट दिखती है भाई रात को जो जलती है, तो रात का समय जब होता है तब जो पाकिस्तान में जो लाइटें जलती है वो लाइटें हमें यहाँ से दिख सकती है। तो हम देखते हैं, हम वेट करेंगे या नहीं, वो आपको पता चल ही जाएगा वीडियो में। अभी फिलहाल हम अंदर देखते हैं जो भी है घूमने के लिए। यहाँ पे गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं अभी वहाँ जाए।
तो ये है गुरुद्वारा जो लखपत में है, वहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगा दोपहर में अगर आप आएंगे तो। तो यहाँ पे पैर धोने के बाद ही आप गुरुद्वारा में एंटर करें। तो ये है गुरुद्वारा, आप अगर लखपत आते हैं तो यहाँ गुरुद्वारा में दर्शन जरूर करें, काफी शांति मिलेगी आपको। तो भाई लोग अभी सनसेट हो रहा है, सुन काफी मस्त दिख रहा है यहाँ से एकदम गोल गोल, इस तरफ का सनसेट उस तरफ हो रहा है वरना इस तरफ होता और मस्त आता, पूरा रण वाली फीलिंग आती। तो अभी आप देख सकते हो पूरे फोर्ट में कोई नहीं है यहाँ पे लखपत में, सिर्फ हम दो बैठे हैं, बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का एटमोसफियर नहीं मस्त है। अभी शाम हो गई तो सारे लोग घर चले गए हैं, बी एस एफ वाले भी आ रहे हैं बंदूक बंदूक लेके, अभी देखना हमको भगाएंगे, बोलेंगे घर जाओ क्योंकि उस तरफ से चेक पोस्ट है, उधर जाने में नहीं दे रहे आगे, और उस तरफ भी जाने नहीं दे रहे थे, आपको दिखाई होगा हमने उस तरफ पाकिस्तान में, तो क्यों जाने देंगे भैया। अरे हमको आदत दिखा दो यार, पूरा व्हाइट जो दिख रहा है नीचे से यहाँ जाने नहीं मिलता हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल।